परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने उत्तर कोरिया से एक बार फिर अपील की है। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि उत्तर कोरिया बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो उसे परमाणु हथियारों से दूरी बनानी होगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। कोरोना संकट को देखते हुए पार्टी ने की सालगिरह के मौके को अलग तरीके से मनाने की तैयारी। भाजपा डिजिटली तरीके से पहुंचाएगी देश की जनता तक सरकार के एक साल की उपलब्धियां। विशेष तौर पर 10 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। भाजपा 27 मई से डिजिटल कैंपेन करेगी शुरू, जो कि 29 मई तक देश के कोने कोने में होंगे आयोजित। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। चीन और नेपाल के साथ जारी खींचतान के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली अहम बैठक। लद्दाख के ताजा हालातों का लिया जायजा। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। वही बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिए कई अहम फैसले। चीन के साथ जारी विवाद को लेकर नई रणनीति से होगी सुलझाने की कोशिश। डिप्लोमेटिक मोर्चे के चलते जारी रहेगा सड़क निर्माण का कार्य। भारत की सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने एक बयान में कहा कि काला पानी को लेकर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा है। सेना प्रमुख का इशारा चीन की तरफ था। इस बयान को लेकर अब नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने प्रतिक्रिया दी। नेपाली रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना प्रमुख के बयान से नेपाली गोरखाओं की भावनाएं आहत हुई है, जो कि लंबे समय से भारत के लिए बलिदान करते आए हैं। नेपाल के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि जनरल मनोज नरवणे का चीन की तरफ इशारा करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो नेपाली सेना लड़ाई भी लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख के बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया है और कहा कि सेना प्रमुख भी इस तरीके के बयान की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। भारतीय सेना प्रमुख का बयान राजनीतिक स्टंट। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की बयान उन्होंने दिया है, लगातार दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच में पूरी दुनिया में 55 लाख से ज्यादा लोग अभी संक्रमित हैं कोरोना से, तो अब तक 3,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 23,65,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्लोसी क्लोरोकोरिन दवा की ट्रायल पर लगाई रोक। विश्व संस्था ने बाकी अन्य दवाओं के ट्रायल को रखा जारी, तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसके पीछे चीन का हाथ बता रहे हैं। वहीं हाइड्रोक्लोसी क्लोरोक्वीन को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस दवाई से कोरोना मरीजों को फायदा होने के बजाय ज्यादा नुकसान है। WHO के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लोग तरीके से सवाल उठा रहे हैं और इसे चीन के साथ में जोड़ रहे हैं। खास बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व संस्था पर चीन की तरफदारी का आरोप लगा चुके हैं। वैश्विक आपदा कोरोना वायरस को लेकर राहत की बात करें तो ब्रिटेन में डॉक्टर्स ने क्लिनिकल ट्रायल्स किया शुरू। कोविड-19 के गंभीर बीमार मरीजों को मदद मिलने की संभावना, क्लिनिकल ट्रायल से मिल सकती है मदद। सऊदी अरब के लोगों को लॉकडाउन में मिली राहत। मक्का को छोड़कर पूरे देश को से कर्फ्यू किया खत्म। मक्का में कर्फ्यू खत्म करने का फैसला 21 जून के बाद होगा लागू। 21 जून के बाद से मस्जिदों में होगी नमाज पढ़ने की अनुमति। इंग्लैंड के जबलपुर में पाकिस्तानी शख्स ने की गुरुद्वारे में तोड़फोड़। ब्रिटेन पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। जबरन गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश कर रहा था आरोपी। इससे पहले पाकिस्तानी युवक ने छोड़ा था कश्मीर से संबंधित एक धमकी भरा नोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने लॉकडाउन फेल होने का दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले 21 दिन में कोरोना वायरस को हराने की बात कही, लेकिन अब 60 दिन के बाद भी देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का मकसद पूरी तरीके से फेल हो गया है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने मौजूदा परिस्थितियों को लेकर की चर्चा। कोरोना संकट और भाजपा की ओर से जारी हमलों पर हुई बात। भारत में कोरोना वायरस का कहर। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,000 के पार। 4,167 लोगों ने अब तक गंवाई जान। वहीं राहत की बात यह है कि 60,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। विदेश में फंसे 140 राजस्थानी प्रवासियों की हुई वतन वापसी। वंदे भारत मिशन के तहत दूसरी फ्लाइट पहुंची जयपुर। थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप के बाद यात्रियों को भेजा क्वारंटीन सेंटर।
तबलीगी जमात के मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, आज 84 विदेशियों के खिलाफ 14,000 पन्नों की 20 चार्जशीट हुई फाइल, मरकज मैनेजमेंट और मौलाना साद का नाम भी हुआ जिक्र। लॉकडाउन के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, उड्डयन मंत्रालय ने निजी विमानों को उड़ान भरने की दी इजाजत, चार्टर्ड विमान और निजी हेलीकॉप्टर्स को सरकार से मिली मंजूरी। तो वहीं निजी विमानों को उड़ान भरने की इजाजत पर सरकार ने साफ कहा कि अभी ऑपरेटर्स को मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। राज्य उड्डयन मंत्रालय की अनुमति के बाद ही यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि देश में 2 महीने के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन 4 में घरेलू उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला जारी, जयपुर एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट्स हुई रद्द, यात्रियों की बुकिंग कैंसिल होने के बाद लिया गया फैसला, कोरोना के चलते यात्रियों में खौफ बरकरार। कोरोना संकट के बीच अब कर्मचारियों पर गिरी गाज, ओवर इंडिया ने की 600 कर्मचारियों की छट्टी, तो वहीं टीवीएस ने भी चलाई सैलरी पर कैची, सरकार के आदेशों की खुली खुलेआम धज्जियां। लॉकडाउन में बैंकों के ब्याज वसूलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील, कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को दिया नोटिस, एक हफ्ते में देना होगा नोटिस का जवाब, अगले हफ्ते होगी इस पूरे मामले की सुनवाई। सरिस्का में बाघ के 3 नए शावकों के आने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाहिर की खुशी, कहा कोरोना संकट के बीच ST12 ने दी खुशखबरी, अब बाघों का कुनबा बढ़कर हुआ 20, वन्य प्रेमियों में खुशी की लहर। अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के चलते मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरू, लोक कलाकारों के लिए वरदान साबित होगी सरकार की योजना, इस योजना के तहत प्रदेश भर के 3 लोक कलाकारों को प्राप्त हो रही है प्रविष्टियां, रविन्द्र वंश की योजना के लिए नोडल एजेंसी किया नियुक्त। विभाग को अब तक 1500 से अधिक कलाकारों की मिली प्रविष्टियां, एक समिति बनाकर करीब 350 कलाकारों की प्रविष्टियों का किया गया चयन, चयनित प्रविष्टियों के लिए लोक कलाकारों को ₹2500 का दिया जा रहा है ऑनलाइन भुगतान, चयनित बेहतरीन प्रविष्टियों के करीब 50 वीडियो YouTube पर भी अपलोड। रामनगरी में बहुप्रशिक्षित रामलला के मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने 28 वर्ष के बाद में रामलला के दर्शन किए और मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, समतलीकरण उसी का प्रथम चरण है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ट्रिपल मर्डर केस से मची सनसनी, पुरनखेड़ा गांव में एक महिला समेत 2 बच्चियों के मिले शव, सभी शवों के गले में मिला कपड़े का फंदा, पारिवारिक विवाद हो सकता है मामला, पूरे केस की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिजनौर के मुंडावर रोड पर मिले शव के मिलने के बाद मामले में बड़ा खुलासा, पत्नी ही निकली पति की हत्यारन, प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम, मृतक की मां ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप। वही मृतक की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच कर खोला राज, कातिल और कोई नहीं बल्कि पत्नी का आशिक ही निकला हत्यारा, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर भेजा जेल, अवैध संबंधों का विरोध करने पर की थी हत्या। यूपी के संभल में दुग्ध वाहन ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू, तो वहीं घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। श्रीगंगानगर में बढ़ने लगा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, मेडिकल जांच के लिए पहुंचा व्यक्ति मिला संक्रमित, प्रशासन ने परिजनों को किया होम आइसोलेट, प्रशासन बढ़ते संक्रमण को लेकर हो चला है चिंतित। सीकर के दादारामगढ़ में कोरोना संक्रमण का विस्फोट, एक ही साथ 9 पॉजिटिव मिलने से लोग दहशत में, लामिया ग्राम पंचायत में संक्रमित मिलने से प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप। चौकी रिवाई में कोरोना को लेकर प्रशासन मुस्तैद, प्रवासी मजदूरों और अधिक लोगों के संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए रैंडम सैंपल्स, हालांकि उपखंड क्षेत्र में फिलहाल नहीं है कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। प्रतापगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पुष्टि के बाद प्रशासन की उड़ी नींद, अरनौत थाने में 7 दिन पहले किया गया गिरफ्तार, जेल भेजने से पहले हुई जांच में आरोपी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने करवाई स्टाफ की स्क्रीनिंग। पाली जिला कलेक्टर ने रानावास कस्बे स्थित कोविड-19 केयर सेंटर का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी साथ रहे मौजूद। जालौर के भीनवाल में सर्व समाज की ओर से उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या के मामले में सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। चौकीवालपुरा में सांप्रदायिक तनाव को कम करने की कोशिश, धार्मिक जुलूस का मार्ग परिवर्तन करने का लिया फैसला, तो वहीं फैसले के विरोध में आए हिंदू संगठन आगे। भरतपुर में सामाजिक संस्था ने शुरू की बेजुबान पक्षियों को गर्मी से बचाने की पहल, जवाहरनगर क्षेत्र में जगह जगह बांधे परिंदे, तो लोगों से परिंदों की सुरक्षा और समय समय पर पानी भरने का किया आह्वान।
राजधानी के बस्ती में बेजुबान पक्षियों के लिए लगाए गए परिंदे। समाज सेवियों ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए नियमित रूप से पानी भरने का दिया संकल्प। भीषण गर्मी में पक्षियों को नहीं भोना पड़ेगा दाने दाने के लिए मोहताज। भीलवाड़ा के सवाईपुर में बजरी के अवैध खनन को लेकर तहसीलदार ने की कार्रवाई। खजीना और अकोला गांव में बजरी दोहन कर ले जा रहे डंपर को किया जब्त। प्रशासन की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप। चौक में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद। खुलेआम हो रहा है अवैध बजरी का खनन। पुलिस प्रशासन नहीं ले रहा मामले के सोर्स। हाईकोर्ट के आदेशों की हो रही है अवहेलना। जैसलमेर के नौक में चोरों ने बिजली विभाग के जीएसएस को बनाया निशाना। 1000 लीटर से अधिक तेल चोरी का मामला। स्थानीय लोगों ने की प्रशासन से चारदीवारी निर्माण की मांग। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश के टॉप 25 बदमाशों में शुमार इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी सीताराम जाट सीकर जिले के लोसल का निवासी। आरोपी के खिलाफ सीकर में फायरिंग का मामला दर्ज। आरोपी जयपुर के अलावा कई शहरों में काट रहा था फरार। सीकर के दादारामगढ़ में पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। होटल में छापामार कर 10 जुआरियों को पकड़ा। आरोपियों से 1,56,000 रूपये की बरामद। इलाके में पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी। धौलपुर में कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू। सरकारी स्कूलों में व्हाट्सएप के जरिए वीडियो बनाकर दी जा रही है शिक्षा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क और बिजली बच्चों के लिए बनी परेशानी का सबब। अजमेर के विजयनगर में नगर पालिका ने बाजार में घूम रहे आवारा पशुओं को भिजवाया गौशाला। बाजार में आने वाले लोगों को मिली इससे राहत। लोगों को करना पड़ रहा था आवारा पशुओं की वजह से परेशानियों का सामना। विजयनगर आवारा पशुओं को भिजवाया गया गौशाला। दिल्ली लखनऊ भोपाल जयपुर गुरुग्राम समेत देश के कई बड़े शहरों में आसमान से आग बरस रही है। इसके चलते आज इन शहरों का तापमान अधिकतम 45 डिग्री रहने का अनुमान रहा। मौसम विभाग ने बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया था। इस दौरान लू का प्रकोप अपने पूरे चरम पर दिखाई दे सकता है। देशभर में भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ऐसे में दिल्ली राजस्थान हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह से ही आग बरस रही है जिसके चलते इन राज्यों का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है। नौतपा शुरू होने के बाद मौसम विभाग ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी भी जारी कर दी थी।